हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और काफी अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस को लेके अभी अपडेट आई थी, तो मैंने एक वीडियो बनाई। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे, सर ट्विटर अभियान होने वाला है आईयू में छूट को लेके। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी इसे मैक्सिमम शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास तक ये वीडियो जाए। और जितने भी यूट्यूबर हैं, हमारे भाई हैं, जो चैनल्स वाले हैं, जो पढ़ा रहे हैं, तो वो सभी क्या करें, वीडियो बना के इसके लिए अभी से अभियान चलाया जाए। ताकि होगा क्या कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 से लेके अभी तक कोई यूपी पुलिस की भर्ती नहीं आई है। 3 साल हो गए, 2022 चल रहा है, 2022 में भी अभी नोटिफिकेशन कब आएगा, मतलब आने वाला तो बहुत जल्द है, लेकिन कब आएगा इसका कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। हो सकता है कि बहुत जल्दी आ जाए। तो इसी को लेके क्या है कि आईयू में छूट के लिए कल क्या होने वाला है, ट्विटर अभियान होने वाला है। तो आप सभी को क्या करना है भाई, बढ़ चढ़कर इसमें क्या करना है, हिस्सा लेना है और अधिक से अधिक ट्वीट करने हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा अधिक संख्या में क्या हो सके, ट्वीट हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस मुहिम में अपना योगदान दें। ठीक है, डीजे सर बताइए। देखिए सर, ये तो बच्चों का दर्द है वाकई में। जिन बच्चों की एज निकल गई है, वो इस इंतजार में थे कि सर नोटिफिकेशन आ जाएगा समय से और हम एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 2019 के बाद से अभी तक भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है। उसके बिहाफ पर हमारा माय बिगेस्ट क्लासेस और अदर टीचर कम्युनिटीज, जितने और टीचर कम्युनिटी है, वो सभी आपके सपोर्ट में इसलिए हैं क्योंकि ये बात वाजिब है कि आपको कहीं ना कहीं हर साल एक बार नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए, मिलना चाहिए। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, उस इंतजार में ही उनकी एज निकल चुकी है। ठीक है, तो एक अच्छा अवसर है। आप भी जानते हैं डिजिटल मीडिया, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी आवाज को आगे रख सकते हो, आगे पहुंचा सकते हो। ठीक है ना, तो उसी के लिए एक ट्विटर कैंपेन है। ठीक है, और उस ट्विटर में कैंपेन के माध्यम से आपको एक हैशटैग बताया जाएगा और उस हैशटैग को आपने क्या करना है, ट्वीट करना है कल सुबह 10 बजे। ठीक है, और मैक्सिमम करेंगे तभी वो चीज है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात क्या है सर इसमें, कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, डेफिनेटली सरकार का, लाइक योगी जी का पहले से ऐलान हो चुका है कि कांस्टेबल को जितना जल्दी से जल्दी हो सके बच्चों के लिए भर्ती ऐलान कर दिया है। और कंप्लीट कब तक भर्ती होगी ये भी अभी कल के न्यूज़पेपर में आई थी, वो भी बता दिया कब तक कंप्लीट होगी। तो आप इसी मौके पर अगर अपनी बात को ट्विटर के माध्यम से अगर इसको संज्ञान में ले लेंगे, तो रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको जरूर सुनिश्चित करेगा और इस पर थोड़ा सा विचार करेगा। विचार क्या करेगा, डेफिनेटली उस पर कुछ ना कुछ एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन एक्शन तो तब लिया जाएगा जब आप उस पर कुछ काम करेंगे। तो इसलिए आप तो खुद तो करें, जो भी हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, इस सेशन को देखने के बाद खुद तो करेंगे ही, औरों से भी करवाएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी अब आपको हम बताएंगे, बाकी दोस्तों आप कुछ और कहें, बाकी अब आपको बताने वाले क्या वीडियो को ज्यादा मतलब लंबी नहीं रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि आईयू में छूट मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। अगर आप चाहेंगे, आप प्रयास करेंगे तो आईयू में छूट निश्चित मिलेगी, क्योंकि 2019 से लेकर और 2022 चल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिली है। आप सभी को बताया कि 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओवर एज हो गए हैं, तो कम से कम 2 साल का सर कोविड की वजह से भी 2 साल की कम से कम आयु में छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि हर उस स्टूडेंट को मौका मिले जो पिछले 2 साल से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 22 साल या 23 साल इसमें एज रख दी तो सर वो ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आयु की गणना अगर 2022 से कर ली, 1 जुलाई 2022 से, तो सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मौका है आप सबके पास और हम भी भाई पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट की थी कल के सर वीडियो बनाओ, तो इसी कारणवश हम वीडियो लेके आए हैं। जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, आपकी बहुत सारी कमेंट आई है, तो उसके बाद ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हैशटैग क्या रहने वाला है इसका, इसका हैशटैग रहेगा यूपी कांस्टेबल, सभी क्या है कैपिटल में है, यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। इसको ध्यान रखना बच्चों, सभी के सभी अंडरस्कोर, हैशटैग यूपी अंडरस्कोर कांस्टेबल अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर रिलैक्सेशन। ठीक है, हूबहू लिखना है हर एक बच्चे को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ लिख रहे हैं, कोई और दूसरा कुछ और लिख रहा है, सेम लिखेंगे तभी वो ट्विटर पे ट्रेंड करेगा। ट्रेंड करेगा तो वो जो आवाज है वो आपकी डिजिटल के माध्यम से पहुंच पाएगी। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर अभी से इस मुद्दे को आप उठाएंगे सभी मिलके, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं 2 साल की आयु में छूट मिल सकती है। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, और ये जो भर्ती है 2024 से पहले 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। अभी 22 चल रहा है, मतलब आधा 22 जा चुका है, जून चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 1.5 साल के अंदर अंदर ये पूरी भर्ती कंप्लीट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये मुहिम आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिससे आयु में क्या है सर, कम से कम 2 साल की छूट मिले, हर एक उस स्टूडेंट को मौका मिले जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, तो कल सुबह
23 जून को सुबह 10 बजे क्या है आपको अधिक से अधिक ट्वीट करने हैं, रिट्वीट करने हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो हमने बनाई है। अब हमने तो भाई मुहिम की शुरुआत कर दी है, अब आप इस वीडियो को शेयर करें और कल 10 बजे से क्या है ट्वीट करने लग जाना, ठीक है सर? जी बिल्कुल। बच्चों ध्यान रखना, बिना आपके द्वारा ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकती, आपकी ही डिमांड है, आपकी ही इच्छा है, आप ही ओवर एज हो रहे हैं। हम सिर्फ आपका यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप खुद से अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नहीं पहुंचाओगे आगे तक, तो फिर ये चीजें आगे नहीं पहुंच पाएंगी। आप खुद तो करेंगे लेकिन कोशिश करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, 10 लोगों से खुद करवाएंगे, तभी ये चीजें आगे पहुंचेंगे, ठीक है? जब तक कानों में चीजें तभी पहुंच पाती है, जब चीखा जाता है। तो ऐसे ही ट्विटर का भी मामला यही है कि अगर आपने मैक्सिमम ट्वीट लाइक ट्रेंडिंग में अगर वो चीज नहीं आई तो वो कानों तक पहुंचेगी नहीं, मतलब वो आवाज आपकी पहुंचेगी नहीं ऊपर तक, ठीक है? तो उसको ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, जब ट्रेंड में जाएगी चीजें डेफिनेटली वो चीजें जरूर रखी जाएंगी और उस पर विचार जरूर करेगी, ठीक है? रिक्रूटमेंट बोर्ड को करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा फिर, ठीक है? तो इसलिए अभी समय है, समय रहते कल सुबह 23 जून कल सुबह 10 बजे टाइमली सभी बच्चे तैयार रहिएगा और इसको कर दीजिएगा। प्रॉपर लिख लो, प्रॉपर तरीके से लिख लो इसको आराम से, किसी को आपने क्या करना है वहां ट्विटर पे ट्वीट करना है, ठीक है? सो गाइस ध्यान रखिएगा सुबह 23 जून 10 बजे, ठीक है बच्चों? और इस चैनल को आप सभी, आपका परिवार है माय बिगेस्ट क्लासेस, सब्सक्राइब कर लें। डेली क्लासेस आप सभी जानते हैं कि रेगुलर चली रही है, आप देख पल पल की अपडेट भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब यूपी पुलिस की तैयारी को लेके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, अभी से अपनी तैयारी में लगे रहे। अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बात आपने ये हैशटैग है वो आपको याद रखना है, कल अधिक से अधिक क्या करने हैं आपको ट्वीट करने हैं, ठीक है? तो जय हिंद जय भारत, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।